गाइस डिसाइडेड मम्मी को भी हम नमस्ते, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे। हमें मैसेज हो आप लोग बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत बढ़िया है। तो अभी सुबह सुबह हम बनाने वाले थे थेपला, ऐसे बनाने वाले भी हैं। तो मम्मी को आवाज लगाते हैं, ऊपर आए पता चला कि मम्मी है मेरे साथ पूजा करने के लिए गई हुई है। और आज हम थोड़ा पहले उठ गए क्योंकि सत्या आजकल हमको उठा देता है। गुड़िया रहती थी तो गुड़िया सुबह सुबह दुकान पे रहती थी और पापा उसको जाते थे स्कूल पहुंचाने के लिए, तो गुड़िया अब है नहीं, तो उसका बदला हम हमको उठा सुबह सुबह लेके जाएगा। हम नींद में रहते उठने का मन ही नहीं करता, तो फिर हम उठे और हमको किसी का स्टेटस दिख गया, फिर हमको याद आया कि किसी ने हमको ऐसा बोला भी था कि आप गुजराती फूड भी ट्राई करो। तो बहुत टाइम पहले हम वो होता है ना येलो कलर का, उसको क्या बोलते हैं, अरे ढोकला नहीं, जो एकदम पतलू पतलू सा बनता है जिसके ऊपर वो सरसों और उसका छोका होता है, क्या नाम है उसका, कुछ खांडवी करके कुछ नाम है। तो एक टाइम पे वो हम बहुत बनाते थे, बट अब बिल्कुल भी वैसा टाइम मिलता नहीं है जो कुछ बनाया जाए। खैर ये सब को हटाते हैं, इसी के साथ करते हैं आज के दिन को शुरू और बनाते हैं आज गुजराती ब्रेकफास्ट। मम्मा कर रही है पूजा। कितना देर से आपको ढूंढ रहे थे, सोचे थेपला बनाएंगे और अब हमको आलू बॉइल करने बोल रही है। कोई बात नहीं, चलिए आपका भी आलू बॉइल कर देंगे, थोड़ा सा हम अपने लिए थेपला बना लेते हैं। गाइस डिसाइडेड मम्मी को भी यहाँ बना लिए हैं और मम्मी बोली कि चलो सबका बना दो और सोयाबीन आलू का सब्जी कैंसल। तो देखते हैं कैसा लगता है। ऐसे मम्मी को इतना बोलना पड़ा हमको कि जो है ना ये भी आपको पराठा की तरह लगेगा, तभी बोली यहाँ बनाने, तो नहीं तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे कोई रिस्क नहीं। बनाना है तुमको, जो बनाना बना के खाओ, लेकिन सबके लिए नहीं बनेगा कुछ। मम्मी आटा निकाल के हमको दे दिया, उसके बाद फिर आप लोग तो चलो झटपट सी रेसिपी भी देते हैं। सबसे पहले लेना है हमें आटा, उसमें ऐड करेंगे मेथी पत्ता, साथ ही में जमाइन मंगरेला और खड़ा जीरा, और मसाला में डालें हल्दी नमक मिर्ची और थोड़ा सा घर वाला मसाला, और साथ ही में थोड़ा सा इसमें हम फॉर्चून भी डाले थे, और इसको अच्छे से मिक्स करके आटा गूंद लेंगे। आटा भी गुना चुका है, थोड़ा देर उसको फूलने देते हैं। मम्मी को भी हम सिखा दिए गुजराती डिश बनाने, देते हैं एकदम पतला पतला बनाना। हल्दी थोड़ा सा कम हो गया, मम्मी बोले नमक ज्यादा हो गया, पता नहीं भगवान जाने, अभी जब बन जाएगा उसके बाद ही बताएंगे। और यहाँ पे हम सेकेंगे, ये आ गई सब्जी लेके मार्केट से, और इधर हमारा थेपला इतना सारा बन गया पतला पतला सा, सारा सब्जी आया घर से। और ये कौन है ना, हल्दी कच्चू है, ये कच्चू का बच्चू है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है जिसमें हम साथ में ले लिया कुंडली का भुजिया और ये आम का अचार के बिना तो पराठा हो, थेपला हो, या रोटी हो, या चावल हो, या मैगी हो, या कुछ भी हो, इसके बिना तो सब अधूरा है। हम नहा धो लिए, रेडी हो गए, मम्मा यहाँ हमको अपना ब्लाउज देने वाली है, मम्मी का जो ग्रीन कलर का साड़ी जो लाके गए थे मम्मी के एनिवर्सरी पे लाएगा ना, हाँ भूल जाते हैं, तो उसका ब्लाउज ना थोड़ा सा मतलब मम्मी को जैसे चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो उसको रिटर्न करने के लिए मतलब उसको वापस से पूरा मतलब समझ रहे हो ना, मम्मी 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 मम्मियों का क्या बताएं, मम्मी ये मार देंगे उनको। खैर यह मेरा बहुत चेंज हो चुका है क्योंकि ऐसे आज हम पूरा ही ब्लैक हो गए, देख रहे हो ऊपर भी ब्लैक, नीचे भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये शुभम का है, शुभम मेरा वॉच लेके चला गया और अपना वॉच छोड़ के चला गया। हमें तुमको मेरा वॉच लेके जाना तो लेके जाओ, नहीं हम अपना छोड़ के भी जाएंगे, आपको पहनना होगा, फिर अगर मन कर गया आपको पहनने का तो आप क्या पहनेगा, इसलिए मेरे पास छोड़ के चला गया, ये वाला ब्लाउज लेके जाएंगे, ठीक है हमको, अच्छा ठीक है चलिए ओके। इधर आना, अच्छा नहीं आ रहा है, ये सुंदर आ रहा है, बुढ़िया नहीं हुई हो तुम, अभी जवान हो, अभी तो तुम छोटी सी बच्ची हो। लुक तो दिखाना बनता है, आज हम पूरा ब्लैक ब्लैक पहन लिए, झुमका गोल्डन पहने वैसे वो भी ब्लैक पहले, ब्लैक पहन तो अच्छा नहीं लगता, ये ज्यादा अच्छे से मैच कर रहा है। और ये हम ना आप लोगों को इनकी ना अपना ड्रेस दिखाने चक्कर पक्का पीछे पलटेंगे। गर्मी इतना ज्यादा है कि क्या बताए, देख रहे हो सूरज देवता भी सर पे चल रहा है, वो उसका याद आ रहा है, ग्लूकॉन्डी में पाइप लगा के बच्चे के सर से पूरा एनर्जी ले लेता था, एकदम वैसा वाला हमको फील आ रहा है, सारा एनर्जी खत्म, बाकी हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। तो आज का मेरा ये वर्क था, गणेश जी का जो पेंटिंग था इसको तो हम पहले कम्प्लीट कर दिए थे और आज लक्ष्मी माँ को कम्प्लीट किए। और अगर आप लोगों को ये वाला पेंटिंग ऑर्डर करना है तो उसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे कलाधारा पे मैसेज कर सकते हो। आज सत्यम पता है हमको कॉल करके बोला है आप मेरे लिए मार्स मैलो लेके आएगा, परसों उसको हम बोले थे और कल लेके जाना हम भूल गए थे, दो बार कॉल किया, एक बार 2 बजे और एक बार अभी 5 मिनट पहले कॉल किया, उसको बोले थे 5:30 बजे के टाइम पे कॉल करना, 5:30 बजे चुका है, तो चलो उसके लिए लेते हैं मार्स मैलो। इंडिया मार्स मैलो, अब मेरा बउआ खुश, अब चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट घर ही, कोतवाली जाइएगा, कोतवाली यहाँ से कोतवाली को तो मिलेगा ही, कोतवाली ये घर मिल गया।
can see, I'm so proud of her and I'm so inspired by her hard work and I just really love it. Lots of love, you Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Bye, take care. Nice to meet you. I'm literally so happy. हम पता है यहाँ पे ना गुपचुप खा रहे थे, उसके बाद वहाँ से दौड़ी दौड़ी आई, अरे मानसी दीदी मेरे घर से गुजर रही है, आज हम लोग मिल ही गए. यार कितना अच्छा लगता है ना सामने से आके कोई सब्सक्राइबर तुम इतना ज्यादा प्यार देते हो, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट तो इस तरह हमेशा चाहिए. फिलहाल अभी मतलब हमारे घर की तरफ ना ऑटो नहीं चल रहा था, उधर रास्ता बंद कर दिया गया, तो पूरा घुमा के लेके जाया जाएगा, इसलिए भाड़ा भी पड़ गया. बैठने से पहले बता दिया गया कि भाड़ा तो पड़ गया है, तो अभी चलो चलते हैं घर की तरफ. हम वैसे लेने वाले थे मोमोज, फिर सोचे कि चलो देखते हैं घर, आप सवेरे घर पे ही बना लेंगे, बाकी जो होगा देखेंगे. देखो क्या है, है ना कलरफुल. तब पिज्जा के बदले सत्यम पता है मार्स मैंने चूज किया है, बाकी अभी हम खाएंगे मैगी. वैसे तो बनाने वाले थे मोमोज, लेकिन मोमोज कैंसिल कर दिए, मैगी लेके आओ. देखो लेके आओ बनाते हैं मस्त मैगी. मार्स मैलो में कुछ खास टेस्ट नहीं होता है, पर खाने में पता नहीं क्यों मजा आता है, रूई के जैसा लगता है. सो तो रूई कभी खाया नहीं, लेकिन होता है ना स्ट्रक्चर वैसा ही है. तो यहाँ गाइस मार्शमेलो स्टोर किया जा रहा है, कितना सुंदर लगता है देखने में, एकदम प्यारा प्यारा सा. बना रहे हैं मैगी जिसमें कि जितना भी सब्जी था सारा हम पानी में डाल दिए और मैगी बना रहे. घर पे बना था बेसन का लड्डू और बहुत टेस्टी था ये. काय खा, काय ने खाया, तुम्हारा तो फेवरेट हुआ करता था बेसन का लड्डू. क्या बोला, दूसरा है, तुम खा के देखो थोड़ा सा. खरगोश का दांत ऐसे टूट जाता है. दूसरा है, कैसा लगा? कुछ अरे गधा, चाय भी चढ़ा दी, जब तक उधर चाय बनेगा तब तक मैगी खा देते हैं. गाइस अभी दुकान बढ़ जाने के बाद मम्मा को याद आया कि फॉर्चून घर का खत्म हो चुका है, तो हम फॉर्चून लेने के लिए आए हैं. अभी बनाएंगे पापड़ और खाएंगे मस्त चावल. कहाँ है, कहाँ गया, खो गए हम कहाँ. मेरे फटे हुए गले को, फटे हुए आवाज को थोड़ा इग्नोर करें, और इग्नोर तो नहीं कर सकते यार, यही आवाज आप लोगों को दिन भर हम सुनाते रहते हैं, कभी शॉर्ट्स पे कभी व्लॉग में. बाकी हम पता है बहुत सारा अभी बैठ के वीडियो एडिट किया, मेरे हाथ में दर्द हो गया. वीडियो एडिट करने मेरे हाथ और पैर में दर्द होता है, क्योंकि ना मेरा अलग ही लेवल का है. मतलब हमको बैठ के वीडियो एडिट नहीं किया जाता, हमको चलना होता है, इधर से उधर चलते रहो. और बचपन में जैसे हम पढ़ाई करते थे, जैसे कुछ याद करना होता था, बैठ के हमको भी याद नहीं करते थे, घूमते घूम घूम के याद करते थे, इधर से उधर उधर से उधर, तभी हमको याद होता था. और वही आदत मेरा अभी एडिटिंग के साथ चल रहा है. और आप लोगों के साथ कैसा होता है क्या, वो हमको कमेंट बताओ, क्योंकि सेम के साथ यही वाला सीन है, उसको इस तरह से याद नहीं होता, वो भी घूम घूम के याद करता है. बाकी यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिए थे, फॉर्चून डालते हैं और बनाते हैं पापड़. ये पापड़ का हाल देखो, सूजी वाला जो उस दिन भरा था सही से सूखा नहीं, ये धूप नहीं लगा, फिर क्या हुआ, जल गया पूरा सारा पापड़ फ्राई होता है और इधर खाना भी निकल गया है इसका. देखें क्या हुआ, जल गया पूरा सब्जी वाला. रोटी दाल दाल का दाल पी रहे हैं, हम नहीं पिए, कायम पिए, हम तो बोले चावल खाएंगे और पापड़ बनाए.